अस्सलाम वालेकुम टू माई YouTube फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपसे सिर्फ 8 मिनट के अंदर 6 ऐसे क्विक एंड इजी स्नैक्स की रेसिपी सिखाऊंगी जिसे बनाना तो बहुत ही इजी है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाले हैं। वीडियो को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप मैं ज़रूर समझाऊँगी। कुछ रेसिपीज़ आप मेक एंड फ्रीज भी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले KFC चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और इसके अलावा 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हो और गार्लिक पाउडर ना हो तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, इसके अलावा 1/4 कप मिल्क। अब इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आपके पास लेस टाइम है तो फिर आप इंस्टेंट बना सकते हो, लेकिन अगर इसे मैरिनेट करेंगे तो रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। 2 घंटे के बाद इसमें एक अंडा डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक सेपरेट डिश में 1 कप मैदा ले लेंगे, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सारे मैरिनेटेड चिकन पीसेस को मैदे की कोटिंग दे देंगे। ये हमारी फर्स्ट कोटिंग हो चुकी है। सारे चिकन पीसेस को 2 सेकंड के लिए ठंडे पानी में डाल देंगे। 2 सेकंड बाद दोबारा से मैदे के मिक्स में कोट कर लेंगे। ये हमारी सेकंड कोटिंग हो चुकी है। अब गर्मा गर्म ऑयल में से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से KFC पॉपकॉर्न चिकन रेडी हो चुके हैं। चलिए अब सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ब्रेड चीज़ रोल। तो ये तो बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, I mean, बच्चे भी इसे बना लेंगे। तो इसके लिए थोड़े से ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे, साइड वाला पार्ट हटा देंगे और इसे रोल कर लेंगे। हल्के हाथों से रोल करना है, ज़्यादा आप इसे प्रेस नहीं करेंगे। और बीच में एक चीज़ स्लाइस रख देंगे, ऊपर से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इस तरीके से स्लोली से रोल कर लेंगे। एक मैदे की मैंने स्लरी बनाई है, मतलब मैदे में थोड़ा सा पानी डाला है, बस वो स्लरी इस पर लगा देंगे जिससे ये ब्रेड ना अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैदे के मिक्स से अच्छे से कवर हो जाता है। अभी वही मैदे की स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के साथ इसे कोट कर लेंगे। एक ऐसी रेसिपी है बस 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। इसे आप ज़रूर से ट्राई करना, इवन आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे ट्राई कर सकते हो। और गर्मा गर्म ऑयल में मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि आप कौन सी सिटी या कौन सी कंट्री से मेरा चैनल वॉच कर रहे हो। पिछला थैंक्स जाता है RR और ZS को। ये क्विक से और इजी ब्रेड चीज़ रोल रेडी हो चुके हैं और बहुत सैटिस्फाइंग होता है ये चीज़ बोल। ज़रूर से ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। केचप और मेयोनीज़ के साथ आप इसे खा सकते हो। चलिए थर्ड रेसिपी शुरू करते हैं। थर्ड रेसिपी होगी पोटैटो चीज़ ट्रायंगल। इसके लिए 2 बॉइल्ड आलू ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़। इसके अलावा हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स यानी कि कोथिंबीर डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक डो रेडी करेंगे। अब एक डिश ले लेंगे, इसमें ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और ये जो हमने मिक्स रेडी किया है इसे इस तरीके से फैला लेंगे। 1 इंच के डिस्टेंस पर होना चाहिए ये, और इसे फ्रीज़ कर लेंगे 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे और फिर यही स्क्वायर शेप को आप ट्रायंगल का शेप दे देंगे, कुछ इस तरीके से। सारे पीसेस इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब एक सेपरेट डिश में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप वाटर और ए पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर सेवैयाँ ले लेंगे, इस तरीके से इसे क्रश कर लूँगी। अब ये ट्रायंगल जो हमने बनाया है इसे मैदे की स्लरी में डिप कर लेंगे, कॉर्नफ्लोर की स्लरी में, और फिर इसे कोट कर लेंगे सेवैयाँ के साथ। अच्छी तरीके से इसे कोट करना है और फिर गर्मा गर्म ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। जल्दी इसे टर्न नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट बाद इसे टर्न कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और चीज़ी बनते हैं, ज़रूर से इसे ट्राई करना। चलिए अब 4th रेसिपी देख लेते हैं। क्विक, हेल्दी और न्यू रेसिपी है। ये है क्यूकम्बर बोट चाट। तो इसके लिए 2 क्यूकम्बर ले लेंगे यानी कि खीरा। इस तरीके से छिलका निकाल लेंगे। अब इसे बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे और जो बीज वगैरह है ये इस तरीके से निकाल लेंगे। इसे फेंकना नहीं है, यही यूज़ होने वाला है। तो सारे क्यूकम्बर के इसी तरीके से निकाल लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून प्याज, 2 टेबलस्पून टमाटर, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम, हाफ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून मैंगो पाउडर और हाफ लेमन, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून ग्रीन चटनी और 1